नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में हर साल सामने आ रहे कैंसर के 8,500 मामले। हिमाचल प्रदेश में हर साल कैंसर के 8,500 मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कैंसर के मामले बढ़ने की दर देश से ज्यादा है। भारत में दर 0.6 तो प्रदेश में 2.2% है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में एम्स के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रमुख डॉक्टर जी के रथ से बैठक कर इस विषय पर चर्चा की। हिमाचल में 36 साल बाद मई में फिर लौट कर आई ठंड, कई क्षेत्रों का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 36 साल बाद मई में ठंड फिर से लौट कर आई, कई क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में चल रहा है। वर्ष 1987 के बाद शिमला, मनाली, कल्पा, धर्मशाला, ऊना और पालमपुर का इस वर्ष सबसे कम अधिकतम और न्यूनतम पारा दर्ज हुआ। 1988 से 2022 के दौरान मई में तापमान अधिक दर्ज हुआ है, लेकिन इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने से मई में भी कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड है। साइबर अपराध जालसाजी के लिए फर्जी तरीके से लिए 3,491 मोबाइल कनेक्शन काटे। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की हिमाचल प्रदेश इकाई ने साइबर अपराध जालसाजी के लिए फर्जी तरीके से लिए 3,491 मोबाइल कनेक्शन काट दिए। दूरसंचार विभाग की हिमाचल प्रदेश इकाई के अतिरिक्त महानिदेशक रणवीर सिंह ने कहा कि इस यूनिट ने राज्य में विभिन्न लाइसेंस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के 3,491 फर्जी कनेक्शन का पता लगाया है। चौरा में भारी भूस्खलन और चट्टानी दरकने से 7.5 घंटे बंद रहा एनएच, हजारों लोग हुए परेशान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में प्राकृतिक आपदाएं हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार सुबह नेशनल हाईवे 5 चौरा के पास पहाड़ी से भूस्खलन और चट्टाने गिरने से एनएच करीब 7.5 घंटे यातायात के लिए अवरुद्ध रहा। एनएच प्राधिकरण ने दोपहर 12:30 बजे बाधित सड़क को यातायात के लिए बहाल किया। मार्ग बहाल होने के बाद हजारों लोगों ने राहत की सांस ली। पेपर लीक मामला, आरोपी एचएएस अधिकारी को कोर्ट से मिली जमानत। भंग कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पूर्व सचिव एवं आरोपी एचएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर को बुधवार को हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। पोस्ट कोड 965 JOIT पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव को SIT ने नामजद किया। हमीरपुर में पूछताछ के बाद 4 अप्रैल 2023 को आरोपी एचएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर को SIT ने गिरफ्तार किया था। एक सप्ताह में हल्के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा बारालाचास, संयुक्त टीम ने लिया जायजा। 485 किलोमीटर लंबे मनाली लेह मार्ग की बहाली कार्य का बुधवार को संयुक्त टीम ने बारालाचा सड़क का जायजा लिया। उपायुक्त राहुल कुमार की अगुवाई में बीआरओ पुलिस की संयुक्त टीम ने बारालाचा सरचू तक दौरा किया। बारालाचा दर्रे से नीचे लेह की ओर भरतपुर तक भारी हिमपात से मार्ग तंग व बर्फ के फिसलन होने से हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए उपयुक्त नहीं हो पाया है। संयुक्त टीम ने निर्णय लिया कि मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए एक सप्ताह के भीतर बारालाचा मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। सांसद सुरेश कश्यप बोले, CRI कसौली में होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि देश के एकमात्र केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में आने वाले दिनों में आधुनिक तकनीक ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि आधुनिकता के समय में पारंपरिक सरोकारों के साथ टेक्नोलॉजी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल एम्स ऋषिकेश में किया गया, वैसा ही प्रयास आने वाले दिनों में CRI कसौली में किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनजातीय सलाहकार परिषद गठित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार ने प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू परिषद के अध्यक्ष और राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी इसके उपाध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों में जिला चंबा से हेमराज, रवि शर्मा, सतीश शर्मा, दौलत राम, जिला लाहौल स्पीति से सोनम तरगे, छेवांग सुशील एडवोकेट, मोहन लाल, जिला किन्नौर से एडवोकेट अमरचंद, डॉक्टर सूर्य प्रकाश बोरस, वीर सिंह सुखदेव, केसर नंद नेगी और जय किशन नेगी शामिल हैं। डीपैट के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड, कल से होंगे डाउनलोड। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से 21 मई को बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा और 28 मई को लेटरल एंट्री परीक्षा करवाई जाएगी। इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए संबंधित अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड ने एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं।
पंथाघाटी में टैक्सी बूथ सहित एक दर्जन कब्जों पर चला पीला पंचा। शिमला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम लगातार जारी है। NHAI ने पंथाघाटी क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा अवैध कब्जे हटाए। कई लोग कार्रवाई के विरोध में उतरे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। इस दौरान JCB की मदद से NH किनारे बसे एक टैक्सी बूथ के कब्जे को भी तोड़ा गया। नौणी विश्वविद्यालय में बागवानी वानिकी के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। नौणी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। बागवानी वानिकी जैव प्रौद्योगिकी खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। स्नातक कार्यक्रमों के लिए सामान्य सीट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून और स्ववित्त पोषित सीट्स के लिए 28 जून है। लड़भड़ोल में अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में 5 घायल। लड़भड़ोल क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक कार दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। सोमवार देर रात शादी समारोह से वापस आते हुए सौगांव के पास बेसहारा पशु के अचानक सामने आ जाने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई, करीब 100 फुट नीचे जा गिरी। कार में सवार सभी लोग अपने गांव पिहड़ बेड़हलू जा रहे थे। कार में सवार भीम सिंह, शांता देवी, कौशल्या देवी, कश्मीर सिंह व बीना देवी घायल हुए। मौके पर पहुंचे गांव वासियों की मदद से सभी घायलों को सिविल अस्पताल लड़भड़ोल लाया गया, जहां डॉक्टर पराजिता ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। मंत्री पद कोई तमगा नहीं, जनसेवा का एक जरिया। प्रदेश कांग्रेस सरकार के सबसे युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है। हालांकि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पोस्ट नहीं डाली। वो सरकार का हिस्सा है और मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथ मिलकर काम कर रही है। कांगड़ा की युवती ने भटियात की कातला पंचायत में लगाया फंदा, डाकघर में BPM के पद पर थी तैनात। चंबा जिले के भटियात क्षेत्र की कातला पंचायत में एक युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवती की पहचान शीतल कौर 22 पुत्री हरजीत सिंह निवासी गांव समकर डांगर धमेटा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पढ़ाई बीच में छोड़ने पर वापस करनी होगी छात्रवृत्ति की राशि, जारी हुए निर्देश। छात्रवृत्ति पाने के लिए किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना और बीच में छोड़ देना अब नहीं चलेगा। वर्ष 2023-24 में छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर केंद्र ने नियम सख्त कर दिए हैं। NTT शिक्षकों की भर्ती न होने से केंद्र से आया 47 करोड़ का बजट लैप्स। NTT शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी 47 करोड़ का बजट लैप्स हो गया। इस बजट को 31 मार्च तक खर्च करने की शर्त केंद्र ने लगाई थी। राज्य सरकार इन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाई, जिसके चलते ये बजट लैप्स हो गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी केंद्र ने हिमाचल को इतना ही बजट जारी किया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।